हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब अवर चैनल देन थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड फॉर शोइंग योर सपोर्ट। सो अगर आप न्यू है इस चैनल पे, देन आई वांट टू टेल यू दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज टॉक अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट स्कॉलरशिप, डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज, हाउ टू गेट टू द यूनिवर्सिटी, हाउ टू अवेल द स्कॉलरशिप। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना लव और अपने सपोर्ट शो करना ना भूलिएगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द स्टूडेंट लाइफ इन इटली। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इटली मूव कर रही हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, या अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रहा और यू आर मूविंग, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू इटली, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आप जब इटली में जाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ कि वहां पे जाते साथ आपको जो चीज फेस करनी पड़ेगी, दैट इज लैंग्वेज बैरियर। आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने कंट्री में है, यू आर स्पीकिंग इन योर ओन लैंग्वेज। जस्ट लाइक इफ यू आर इन पाकिस्तान यू स्पीक उर्दू, इफ यू आर इन इंडिया देन यू स्पीक हिंदी, बांग्लादेश में है देन यू स्पीक बांग्लादेशी। तो अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं देन यू हैव टू फेस द लैंग्वेज बैरियर। अब इटली में मेरे माइंड में यह था कि जब मैं इटली नहीं गई थी, मेरे माइंड में यह था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं दे ऑल स्पीक इंग्लिश। तो जो मुझे फेस करना पड़ा था फर्स्ट में, वो था लैंग्वेज बैरियर। तो आपको भी सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं, जो 90% लोग हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते हैं और इंग्लिश उन्हें आती नहीं है, वो इटालियन में बात करते हैं। सो स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द इटालियन लैंग्वेज। अगर आप वहां पे सेटल भी होना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट थिंग क्या करनी है, आपकी स्टडी तो इंपॉर्टेंट है सो है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने वहां जाते साथ जो है ना इंग्लिश, जो इटालियन लैंग्वेज है, उसके कोर्सेज लेना स्टार्ट कर देने। और अगर आपने अभी पाकिस्तान में या अपने कंट्री में है तो अभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि B1 या A1 लेवल का जो भी कोर्स है आप वो करके वहां पे जाइएगा। अच्छा, सेकंड चीज जो है वो आपकी सोशल लाइफ होगी। इटालियंस आर वेरी सोशल पर्सन, दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी यू नो वेरी केयरिंग, लविंग एंड वेरी फ्रेंडली पीपल। तो आप जो जैसे आप वहां पे जाएंगे आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है कि आपको वहां पे जाके ये चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आप अपने कंट्री से दूर हैं और वहां के लोग जो है वो सपोर्टिव नहीं, वो आपको 100% सपोर्ट करेंगे। अनदर रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कल्चर, मीन्स यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द कल्चर। एंड एवरीबडी नोज दैट इटली इज फेमस फॉर इट्स रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर एंड यू नो द मेडिटेरेनियन लाइफ स्टाइल, बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट द रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री वहां से स्टार्ट हुई थी, वहीं पे खत्म हुई थी। तो वहां पे जब आप जाएंगे आपको कोलोसियम मिलेगा, एवरीबडी नोज, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट द कोलोसियम, के वहां पे क्या होता था कि जो बड़े बड़े बादशाह होते थे वो क्या करते थे कि वहां पे गेम्स करवाते थे, और वो गेम्स काफी खूनी टाइप की गेम्स होती थी। तो आपको कोलोसियम का एक्सपीरियंस वहां पे मिलेगा। अगर आप छोटे से छोटे टाउन में भी जाएंगे वहां पे यू विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ अ पैलेस। पैलेस वहां पे कैसे होते थे, अभी भी उन लोगों ने सेम वही सेटिंग की हुई है पैलेस की, मीन्स फुल ऑफ हिस्ट्री है, आपको वहां पे इतना कुछ देखने को मिलेगा। सो और इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ इतनी वहां पे अट्रैक्टिव होती है कि वहां पे जितने भी सोशल है लाइफ, जस्ट लाइक सोशल इवेंट्स हो गए, आपके स्पोर्ट्स हो गए और आर्ट्स वगैरह के जो भी फेस्टिवल्स हैं, आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, वहां पे आपको कल्चर को सीखने का मौका मिलेगा। फोर्थ नंबर पे आता है फूड। इटालियंस आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर फूड। अगर आप वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके उनके पिज्जा के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो पिज्जा है वो टोटली डिफरेंट है, और वहां पे जो पिज्जा खाया जाता है दैट इज टोटली डिफरेंट। उनका पिज्जा, पास्ता, दे आर वेरी इंटू फूड, और बड़े उनका दे आर फेमस फॉर देयर हेल्दी फूड। पूरी दुनिया में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि उनका फूड जो है वो बहुत हेल्दी है। वहां पे क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में फूड और ड्रिंक वो डिफरेंट होते हैं। उनके पास कहीं पे भी फूड का जो है ना, और ड्रिंक का, स्पेशली ड्रिंक का, उनकी स्पेसिफिक टाइमिंग होती है। 11 o'clock के बाद आपको कोई भी बंदा कैपेचिनो पीता नहीं नजर आएगा। उनका क्या है कि मॉर्निंग में आपने मिल्क वाला ड्रिंक लेना है, जैसे लाइक कैपेचिनो हो गया। उसके अलावा वहां पे स्पेसिफिक स्वीट्स वगैरह मिलती हैं, आप वो ले सकते हो ब्रेकफास्ट में। इवनिंग में आपको कोई भी बंदा कैपेचिनो पीता नहीं नजर आएगा। इसके अलावा इवनिंग में क्या है, एक अपरितिव के नाम से एक जैसा हैप्पी आवर्स कहते हैं अमेरिका में या यूके में, उन्हें हैप्पी आवर्स
कहते हैं। इसी तरीके से अपरितिव के नाम से इवनिंग में वहां पे लोग बाहर जाते हैं, 2-3 आवर्स का अपरितिव होता है जहां पे वो लोग वाइन वगैरह पीते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक स्वीट्स होती हैं और साथ ऑलिव्स वगैरह कुछ ऐसा होता है। तो ये वो ईटिंग आउट को बहुत ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा और क्या होता है कि जैसे ही आप वहां पे जाएंगे इटली में और आपको अपने यूनिवर्सिटी में अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ेगी, तो एक चीज अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि यहां से जाते हुए हमें थोड़ा सा ये डर लगता है कि यार पता नहीं हम लोग वो सारा प्रोसेस कैसे कर सकेंगे। तो एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि जैसे ही आप वहां पे जाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है, इतनी ज्यादा फ्रेंडली होती है कि अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जो भी होते हैं वो आपके साथ उन ऑफिस में खुद भी आपके साथ विजिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि ठीक है आप बैठे हुए हो कि जी आपको बता दिया कि आपने अभी इस ऑफिस में जाना है और आपने ये काम करना है, उसके बाद आराम से बैठे हुए हैं। वो देखेंगे कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे कि सॉरी आई डोंट नो हाउ टू यूज अ गूगल मैप एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हियर सो वुड यू प्लीज गाइड मी, तो वो सिर्फ गाइड ही नहीं करते, वो क्या करेंगे उनके पास एक स्पेसिफिक कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों ने वहां पे रखे हुए होते हैं, उनका क्या करते हैं या तो वो खुद आपके साथ चल पड़ेंगे या फिर उन लोगों को हायर कर देंगे आपके साथ कि आपने वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने अकाउंट ओपन करवाना है, आपने पोस्ट ऑफिस में जाना है, आपके 3-4 जगहों पे तकरीबन 8-9 डेज तक का कोई डिफरेंट काम होते हैं, जैसे आपने सजोर्नो वगैरह लेना होता है तो उसका डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो वो क्या करेंगे कि एक बंदे को आपके साथ हायर कर देंगे कि आपने इसके साथ जाना है और आपके जब तक इसका काम सारा खत्म नहीं हो जाएगा इसे जिस जिस हेल्प की जरूरत होगी, फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, सजोर का फॉर्म वगैरह फिल करना, और उसके अंदर क्या होता है कि अगर एक भी मिस्टेक हो जाए आपको सजोर नहीं मिलता, वहां का जो रेजिडेंस परमिट जो होता है उसे कहते हैं सजोर्नो, तो वो आपको नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं इसलिए वो काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ वहां पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, आपको कल्चर का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको लैंग्वेज लर्न करने का एक्सपीरियंस मिलेगा और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न भी होता है कि जॉब मिलेगी वहां जाके कि नहीं मिलेगी, तो वहां पे जॉब लेना मुश्किल नहीं है। वहां पे क्या होता है कि आपको डिफरेंट तरह की जॉब्स भी मिल जाती हैं, अगर आपने स्टडी के दौरान भी आपको स्पेसिफिक आवर्स होते हैं 20 आवर्स पर वीक जो है आप वहां पे काम कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपको अगर लैंग्वेज आती है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी जॉब भी मिल सकती है, आपको ऑफिस में जॉब भी मिल सकती है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको और बहुत ज्यादा अच्छी जॉब भी मिल जाएंगी। सो एज अ स्टूडेंट आई कैन से डेट यू विल हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू explore the world, to explore the culture of Italy, to explore different cultures and to learn the languages and you know to make new friends and to explore the events. So ये सारा कुछ इतना important है हमारी life के लिए कि हमारी personality groom हो जाती है कि अगर आप एक अपने country का क्या मतलब है कि एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर आप book होके रह गए हैं, आप बंद होके रह गए, लेकिन जैसे ही आप उस डब्बे से निकलते हो या उस कुएं से निकलते हो तो आपको दुनिया नजर आती है। तो आपको एज अ स्टूडेंट, आपकी एज ऐसी है तो एज अ स्टूडेंट आपको वहां पे दुनिया देखने को मिलेगी, आपको दुनिया एक्सप्लोर करने को मिलेगी। सो ये स्टूडेंट की लाइफ है वहां पे जिसे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम लोग वहां पे जाएंगे हमें कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस मिलेंगे, हमें वहां जाके परेशान होना चाहिए किसी चीज को लेके या नहीं होना चाहिए। सो इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा, इनके कुछ पॉइंट्स वगैरह बना लें और एक्सप्लोर करें, काफी कुछ एक्सप्लोर करें तो आपको सारा कुछ समझ आएगा और अपनी लाइफ को इंजॉय करने का मौका मिलेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।